नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर सुरेश कुमार। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं मनु सिंह और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर सुरेश कुमार सिंह। आज हमारा सवाल है एविडेंस एक्ट से। पिछले वीडियो में हमने 28, 29 और 30 के बारे में बात किया था। आज हम 31 और 32 के बारे में बात करेंगे एविडेंस एक्ट से ही। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नॉलेज लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक हेल्दी सोसाइटी के लिए लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा कि लॉ की नॉलेज कहीं पर भी नेट पर अवेलेबल नहीं थी, जो भी थी वो रिटेन में सीधे सीधे लॉ जो बुक पे मिलते हैं वही लिखे हुए थे। कहीं पर कोई इस तरीके से वीडियो नहीं था जिसमें समझाया जा रहा हो, जिसमें एक एडवोकेट खुद समझा रहा हो। तो इसके तहत एक डिजिटल इंडिया के तहत हमने ये वीडियो बनाना चालू किया। उसमें हम एविडेंस एक्ट के बारे में इस समय बात कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, हम 100 से ज़्यादा वीडियो बना चुके हैं। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अगर वीडियो आपको पसंद आता है आप लाइक करें, शेयर करें, नॉलेज लोगों तक पहुँचाएँ। चलते हैं सर के पास और जानते हैं एविडेंस एक्ट में सेक्शन 31 और 32 के बारे में। सर, 31 भी कन्फेशन से संबंधित ही है जी, है ना जी। कन्फेशन को निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जा सकता जी। 31 में ये है कि सिर्फ कन्फेस हो जाए और इसी आधार पर किसी को ना तो पेनलाइज किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है, और ना ही किसी केस को कन्फेशन के आधार पर डिसाइड किया जा सकता जी। जब तक उससे और कोलिब्रेट ना किया जा सके, मतलब उससे रिलेटेड और भी साक्ष्य ना हो, एविडेंस होना चाहिए, उसे स्टेपल के तौर पर माना जा सकता जी। ये है धारा 31 का मोटिव। मतलब स्टेपल मतलब ये एक उनके तर सॉलिड कर देता है। हाँ, एक स्वीकृत जो है उसके लिए एक स्वीकृत माना, कन्फेशन जो है वो स्टेपल का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे कार्य जो प्रमाणित कर सके इसको, है ना जी। तो वो जो है स्टेपल के तौर पर उसे माना जा सकता। मतलब एक और चीज उसमें जुड़ जाती है उनके एविडेंस में जी, उसको स्टेपल के तौर पर एक जो व्यवहार की चीज मानी जा सकती है कि आचरण में कैसे आ रहा है जी, तो वो स्टेपल होता। कन्फेस जो है वो वही समझ लीजिए एक तरह से स्वीकृत है, गुनाह कबूल करना है ना जी। तो इसको स्टेपल के तौर पे लिया जा सकता है, इसको निर्णायक नहीं माना जाएगा इसके साथ जब तक और साक्ष्य से उसको कोलिब्रेटरी दूसरे साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित न कर दिया। ये धारा 31 और धारा 32 में है ऐसे साक्ष्य जो एक बार हो गए हैं अब वो आ नहीं सकते, जैसे कोई मर गया जी, तो ऐसी स्थिति में उसका जो बयान है वो साक्ष्य में किसी हद तक कंसीडर किया जाएगा। और इसी के तहत वो डाइंग डिक्लेरेशन है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मरते वक्त जो आदमी बयान दे देता है न्यायालय उस पर विश्वास करता है, और मरते वक्त आदमी विश्वास करता है वो चाहे किसी पुलिस अधिकारी के समय समक्ष उसका बयान किया गया जी, या मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया जी, है ना। मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया बयान बहुत ही रिलायबल है, वो धारा 32 में डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है कि मरते समय आदमी ठीक मरने के पहले जो भी बयान देता है वो सच ही बयान देता है जी। ऐसी ज़्यादा संभावना जी, है ना। अगर उसमें कुछ त्रुटि भी है तब भी उस पर विश्वास कंसीडर किया जाएगा जी। ये है 32 और ये एविडेंस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से आपराधिक केसेस जो है उसमें ये बयान बहुत मायने रखता है जी। जैसे किसी को गंभीर चोट आ गई और वो हॉस्पिटल में पहुंच गया, तो वैसे ऐसे समय में जो मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस के सामने जो बयान देता है वो बहुत ही रिलेवेंट और उसको साक्ष्य में कंसीडर किया जाता है जी। ये है धारा 32, मतलब मरते समय अगर कोई बयान देता है तो बहुत ही ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो साक्ष्य में, मतलब इस सोसाइटी केस में भी जो लोग मरने से पहले वीडियो बना देते हैं या लिख देते हैं वो भी इसका मतलब इतना ही हाँ, उस पर विश्वास किया जा सकता है जी, न्यायालय को भी विश्वास करना चाहिए, कंसीडर करते हैं उसको हाँ जी। थैंक यू सो मच सर। आज हमने जाना एविडेंस एक्ट में 31 और 32 सेक्शन के बारे में, जिसमें सर ने बताया कन्फेशन के बारे में। कन्फेशन से रिलेटेड हम पुराने वीडियो को इस वीडियो से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा 31 और 32 था। पिछले वीडियो जो हमारे थे वो 28, 29 और 30 था। उसको और भी जो हमारे एविडेंस एक्ट के वीडियो हैं उसको हम इस वीडियो से कनेक्ट कर देंगे। हमारे बाकी वीडियो भी सपोज करिए हम सीआरपीसी बना रहे हैं तो सीआरपीसी के पुराने वीडियो और नए वीडियो आपस में कनेक्ट होंगे, तो आप आसानी से एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक जा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी हम डिटेल डाल देते हैं,
लिंक पड़ा होता है, आप वहाँ से दूसरे वीडियो तक जा सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसे पूछें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे देंगे, अदरवाइज हम वीडियो के थ्रू आप तक आंसर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। कुछ व्यूअर्स ने हमसे पूछा था कि बात समझ में नहीं आती है, सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो थोड़े से चर्चा से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया जा सकता है जी। लेकिन फिर भी अगर किसी बिंदु पर किसी व्यूअर्स को कोई परेशानी है तो पूछना चाहता है तो उसको हम दूसरे वीडियो जी, में क्लियर आप, कर आप आपका अगर कोई सवाल है, क्योंकि हम सारी चीज़ों को खुद नहीं कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपका कोई किसी पॉइंट पर कोई क्वेश्चन उठता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसे जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वो कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब नहीं दे मिलेगा तो हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे अलग से। हम कोशिश करते हैं आपके जवाब देने की और आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछें। थैंक यू सो मच।